गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी 2 पार्ट 9 विलोम। विलोम का मतलब है उल्टे अर्थ वाले शब्द। नीचे दिए गए चित्रों को देखो तथा वाक्यों को पढ़ो। रंगीन छपे शब्दों को ध्यान से पढ़ो। देखिए, भालू बड़ा है। ये भालू क्या है? बड़ा है। चूहा छोटा है। चूहा क्या है? छोटा है। हिरन तेज भागता है। हिरन क्या कर रहा है? तेज भाग रहा है। और यहाँ पे देखिए, कछुआ धीरे चलता है। धीरे, तेज का ऑपोजिट क्या होगा? धीरे। ठीक है, यहाँ देखिए, शरबत ठंडा है। चाय गर्म है। यह पेड़ ऊंचा है। यह पौधा नीचा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ो, समझो और याद करो। अच्छा, अच्छा का उल्टा क्या होगा? बुरा। सच, सच का झूठ। मित्र, शत्रु। लाभ, हानि। जीत, हार। अपना, पराया। दिन, रात। मीठा, कड़वा। दूर, पास। नया, पुराना। उठना, बैठना। आना, जाना। कम, अधिक। हल्का, भारी। ऊपर, नीचे। अब आप इसमें देख रहे होंगे, सब उल्टे हैं, जैसे ऑपोजिट हैं। ठीक है, चलिए हम पेज टर्न करते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्दों का सही मिलान करो। जीत का क्या होगा? हार। अच्छा, अच्छा का क्या होगा? बुरा। सरल, कठिन। सच, झूठ। आगे, पीछे। नया, पुराना। चलिए वाक्य बनाते हैं। अब हम वाक्य बनाओ। अपना, अपना काम स्वयं करें। पराया, रोहन पराया है। मोटा, मेरा भाई मोटा है। पतला, राम पतला है। बड़ा, मेरा घर बड़ा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। छोटा, मैं छोटा हूँ। काला, कौवा काला है। सफ़ेद, दूध सफ़ेद है। मीठा, आम मीठा है। कड़वा, करेला कड़वा है। अब यहाँ देखिए, ग, निम्नलिखित के विलोम शब्द बनाओ। दूर का, पास। बूढ़ा, जवान। लाभ, हानि। मित्र, शत्रु। तेज, धीरे। तो बच्चों, इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिली? इस पाठ से हम ये पढ़े कि विलोम शब्द, विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।